हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। आज हम बनाएंगे ये ब्राउनी जो बच्चों को बहुत पसंद है और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, आप भी ये ब्राउनी बनाएं अपने बच्चों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। 8x8 इंच का पैन हम रेडी कर लेंगे। ऑयल लगाएंगे और बटर पेपर लगा देंगे। बटर पेपर बाहर निकाल कर लगाएंगे भड़ाकर, ताकि डीमोल्ड करने में आसानी हो। यहाँ आज हम आपको बताएंगे डबल बॉयलर पे आप कैसे मेल्ट कर सकते हैं चॉकलेट और ऑयल को। तो 90 ग्राम हम ऑयल ले लेंगे। यहाँ हम स्टील का बॉल इस्तेमाल कर रहे हैं। 100 ग्राम डार्क चॉकलेट ले लेंगे। आप यहाँ अगर आपको मिल्क चॉकलेट पसंद है तो वो भी ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डार्क ब्राउनी पसंद नहीं है तो हाफ हाफ मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं, बट मिल्क चॉकलेट ज़्यादा मीठी होती है। यहाँ हमने एक पुराना पतीला है हमारे पास, उसमें हमने थोड़ा सा पानी रखा है गर्म होने के लिए, और उसके ऊपर हम ये बॉल रखेंगे। पानी टच नहीं होना चाहिए बॉल को। अब यहाँ देखें, 1 से 1.5 मिनट में ऑयल जैसे ही गर्म हुआ है भाप से, तो चॉकलेट भी उसमें मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। उसको मिक्स किया और ये बिल्कुल रेडी है। आप भी इस तरह चॉकलेट मेल्ट कर सकते हैं। बॉल आपका स्टील का या कांच का होना चाहिए। अब हम इसमें 20 ग्राम कोको पाउडर लेंगे। कोई भी अच्छे ब्रांड का कोको पाउडर आप यूज़ करें। हम मलेशियन कोको पाउडर यूज़ कर रहे हैं, और छान कर कोको पाउडर ऐड करेंगे, ताकि अगर कोई इसमें गुठलियाँ हों तो वो ख़त्म हो जाए और जल्दी से ये मिक्सचर में हल हो जाए कोको पाउडर। तो ये रेसिपी बहुत आसान है, आप भी झटपट ये घर में बना सकते हैं और हमारे अपना बेकिंग का काम घर से स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है, मिनटों में तैयार हो जाती है। बस 3 स्टेप आपने फॉलो करने हैं। पहला स्टेप ये हमारा हो गया है, ऑयल चॉकलेट उसको हमने डबल बॉयलर पर मेल्ट किया और उसमें हमने कोको पाउडर मिक्स करके एक साइड पर रखा है। अब 2 अंडे लेंगे और 70 ग्राम वाइट शुगर और 70 ग्राम ब्राउन शुगर, इनको बीट करेंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम स्पीड पर। अगर आपके पास ब्राउन शुगर ना हो तो आप 140 ग्राम वाइट शुगर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ब्राउन शुगर की जगह आप वाइट शुगर ही सारी इस्तेमाल कर सकते हैं। तब हम इसको स्लो स्पीड पर बीट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमें बीट नहीं करना, इसका एग को हमने डबल या ट्रिपल नहीं करना। 2 से 3 मिनट के लिए स्लो स्पीड पर बीट करेंगे, बस अंडों का कलर चेंज हो जाए। और यहाँ देखें, फॉर्म भी नहीं बना, बस मिक्स हो गया है। चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए अंडों के साथ और अंडों का कलर चेंज हो जाए। 2 से 3 मिनट जब आप बीट करेंगे ये मिक्सचर अंडे और चीनी का, तो आपको फील होगा। अगर नीचे चीनी होगी तो भी फील होगा। 1 टीस्पून हम वनीला एसेंस यूज़ करेंगे। बारीक वाली चीनी इस्तेमाल कीजिएगा तो वो जल्दी बीट हो जाएगी। अब हमने चॉकलेट, ऑयल और कोको पाउडर का जो मिक्सचर रेडी किया था वो ऐड करेंगे बैटर में। अच्छी तरह सारा बॉल में से निकाल लेंगे और मिक्स करेंगे। बस इसको एक साथ हमने मिला लेना है, बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना। और जैसे ही हम ये मिक्स करते जाएंगे तो ये गाढ़ा होता जाएगा ये बैटर। यहाँ देख सकते हैं आप, अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्क से भी ये कर सकते हैं। तो ये देखें, बैटर हमारा ये गाढ़ा हो चुका है चॉकलेट ऐड करने से,
और अब बीटर का काम ख़त्म। बीटर को एक साइड पर करेंगे और स्पैचुला से मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर साइड से कोई भी अंडे का बैटर रह गया तो वो अच्छी तरह चॉकलेट वाले बैटर में मिक्स हो जाए। ओवर मिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ मिक्स करेंगे। अब मैदा हम ले लेंगे 95 ग्राम, उसमें 1/4 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और मिक्स कर लेंगे। मैदा हमने पहले से ही छान के रखा हुआ है और नमक मिक्स करके हम चॉकलेट वाले बैटर में ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे ताकि लम्प्स ना बने और ओवर मिक्सिंग भी ना हो। तो उतना हमने मिक्स करने के बस ये मैदा मिक्स हो जाए। बहुत सॉफ्ट हैंड से मिक्स कर रहे हैं। अब बाकी का मैदा भी शामिल करेंगे। ओवन हमने पहले से ही प्री हीट कर लिया है। आप भी जब केक बेक करें या ब्राउनी बनाएं, जो भी बेकिंग का आप काम करें, पतीला हो या ओवन हो, उसको पहले से ही आप गर्म होने के लिए रखें। बाकी थोड़ा मैदा जो था वो भी ऐड किए और अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ देखें, बैटर काफ़ी गाढ़ा हो गया है। ब्राउनी का बैटर इस तरह का होता है। और आप भी ये फ्लेकी ब्राउनी बनाएं और आपको बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 70 ग्राम्स की बजाय 75 ग्राम शुगर कर सकते हैं। दोनों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं जो ये ब्राउनी खाना चाहते हैं तो उनके लिए ये मीठा ज़बरदस्त है, जो हमने आपको मेजरमेंट दी है इस रेसिपी की ब्राउनी की। तो बहुत बैलेंस मीठा है। अब हम बैटर ऐड करेंगे पैन में, अच्छी तरह निकाल लेंगे सारा बैटर। ब्राउनी का बैटर थोड़ा स्टिकी होता है। ब्राउनी हम ओवन में बेक करेंगे क्योंकि 8x8 इंच का पैन हमारे पतीले में फिट नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमें ओवन की ज़रूरत थी। आज हमने बड़ा वाला ओवन प्री हीट किया ब्राउनी बनाने के लिए। अच्छी तरह बैटर को लेवल करेंगे, एक जैसा, कहीं से ऊपर या नीचे बैटर ना हो, क्योंकि फिर ब्राउनी भी एक जैसी बेक नहीं होगी। तो सारा अच्छी तरह हम बैटर फैला देंगे पैन में। ताकि ब्राउनी अच्छी बेक हो। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। परफेक्ट रेसिपी आपको दी है। बच्चे बड़े हर कोई ये खा सकता है। टैप किया है 2 से 3 दफ़ा, एक जैसा लेवल हो जाए बैटर का। और अब हम 18 से 20 मिनट में इसको ओवन में हमने बेक किया है। तो यहाँ देखिए कितने खूबसूरत ऊपर फ्लेक्स आए हैं। और ठंडा होने के लिए रखा था 1/2 घंटे के लिए। अब डीमोल्ड करके आपको कट करके दिखाते हैं। इतना अच्छा लुक आया है ब्राउनी का, देखकर बहुत अच्छा लगा। इतने ज़बरदस्त फ्लेक्स वाली ब्राउनी बेक हुई है। और झटपट में आप भी ये ब्राउनी घर में रेडी कर सकते हैं। स्केल से हम निशान लगाएंगे, मार्क करेंगे। 2x2 की ब्राउनी हम कट करेंगे और आप भी ये ब्राउनी आसानी के साथ बना सकते हैं। अगर आप घर से अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो ब्राउनी से स्टार्ट कीजिए। ये बहुत आसान है, जल्दी बन जाती है। केक की तरह ना कट करने की टेंशन है, ना फ्रॉस्टिंग की टेंशन है। बस जिस तरह आपका कस्टमर आपको बोले, उसी तरह आप फौरन इसको बेक करके डिलीवर करवा सकते हैं। और इसमें आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और ये ब्राउनी बहुत मज़ेदार बेक हुई है। फ्लेक्स
इतने ज़बरदस्त थे, आप साइट पर देख सकते हैं, डीमोल्ड किया है तो ये फ्लेक्स उधर को गिर गया है, फैन ऑन था और ब्राउनी के ऊपर से फ्लेक्स उड़ रहे थे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, अपना फीडबैक दीजिएगा आपको ये ब्राउनी की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप और भी ब्राउनी की रेसिपीज चाहते हैं, जैसे वॉलनट ब्राउनी, बंटी ब्राउनी या कोई और भी, तो ज़रूर आपके लिए हम वो रेसिपी लेकर आएंगे। तो अब हम ब्राउनी रखते हैं एक प्लेट में और आपको खाकर भी दिखाएंगे कैसी ब्राउनी बनी है, इतनी सॉफ्ट यमी, दिल चाह रहा था बस खाते ही जाएं। आप भी ये ब्राउनी बनाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये ब्राउनी ख़त्म हो जाएगी, बस आपको ये होगा कि आपने बनाई है, बस किधर गायब हो गई है, बच्चों ने कब ख़त्म कर दिया ये आपको पता ही नहीं चलेगा, इतनी टेस्टी और यमी ब्राउनी है। तो आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं, आपको रिप्लाई करते हैं और हमेशा हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे तमाम वो व्यूवर, अगर किसी को किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो फौरन हम कोशिश करते हैं उनका रिप्लाई करें। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लाइक शेयर भी कर दीजिए ताकि बिगनर्स की हेल्प हो सके। अगर कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।